रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र में देर रात्रि पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से दो लुटेरे घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। दोनों लुटेरे पूर्व में भी लूट के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। हाल ही में कैंट व रामगढ़ ताला थाना क्षेत्र में तीन लूट की घटना में वांछित चल रहे थे। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने पिस्टल, तमंचा और चोरी की गई बाइक व लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया, रात्रि में थाना रामगढ़ ताल में दो अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें कि जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। दोनों अभियुक्त फिलहाल अस्पताल में हैं, इलाजरत हैं। इसमें पूछताछ में जानकारी हुई कि दोनों अभियुक्त पूर्व में लूट में जेल जा चुके हैं और बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने कि हाल ही की घटनाओं में थाना रामगढ़ ताल और थाना कैंट में कुल तीन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें वो वांछित चल रहे थे। दोनों अभियुक्तों से लगभग 3 लाख रुपए लूट के एक पिस्टल, एक तमंचा, एक बाइक और एक लूट का मोबाइल बरामद हुआ है, जिनके कि मुकदमे दर्ज हैं। प्रकरण में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो टीम ने अच्छा कार्य किया है उसे इनाम के तौर पर 25,000 रुपये नकद का